फिर भी मेरे पास थोड़ा सा शांत रहता है, मम्मी के पास रहता ही नहीं बिल्कुल भी। फ्रेंड्स, तो अभी मैं खाना बना रही थी 2 घंटा से, 2 घंटा लगता ही है, तब तक बेबी को मम्मी संभाल रहा था। देखो मम्मी का हाल, देखो बेबी ने क्या कर दिया। दोपहर का टाइम सोने का टाइम, सोने तो दिया ही नहीं यार, पूरा तंग कर दिया मम्मी को। फाइनल टॉयलेट रूम में लेके आए, थोड़ा शांति लग रहा है। गोदी में लेके खड़ा रहते तो भी नहीं रहते। क्या चाहता है? हाँ बीबू, कितना सारा टॉयज है, इसको कुछ अच्छा नहीं लगता। मम्मी का वो बैंगल्स ले लिया देखो हाथ में खेलने के लिए। क्या चिल रही है को कार्डिनल भी मारा। दादी को ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, बहुत तंग करता है। 10 मिनट लगेगा, खाना बन गया। क्या नाम, मैं बंगाली वाला खाना बना रही थी, तो बंगाली वाला खाना में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ये जो छोटा छोटा फिश है ना, इसको माथा काट के काटना पड़ा, आधा घंटा तो इसमें लग गया। छोटा फिश का कड़ी बना है, बहुत टेस्टी होता है। हर रोज़ बनाऊँगी तो फिर मम्मी को दोपहर का टाइम सो ही नहीं पाएंगे, तो मैं कभी कभी बनाती हूँ। मुझे पता है बंगाली वाला सब्जी बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, एक दो आइटम तो बनाने में 1-2 घंटा लग जाता है। क्या ना, फिश फिर मसाला पीसना, सब कुछ करना है, फिश काटना पड़ता है सब कुछ। और यहाँ पे बना रहा हूँ पालक के साथ, ये वाला फिश, बड़ा वाला फिश। एक सब्जी के साथ मैं खा नहीं पाती हूँ, और काटना भी पड़ता है। इसका स्केल इतना छोटा छोटा था ना, निकल मतलब 2 घंटा लगा मुझे फिश वॉश करते। तब तक मम्मी एकदम थक गया बच्चे को रखते। मम्मी के पास रहता ही नहीं, ज़्यादा तंग करती मम्मी को, क्योंकि मम्मी बार बार बाहर लेके घूमता है ना, इसीलिए। है देखो उसको मैंने फ्रेश करा दिया। मैं अभी खाना वाना खाऊंगी, वॉशिंग मशीन में कपड़ा वो सब डालना है। 3 बज गए। इसको बेड में रखना मुश्किल हो गया है, मम्मी के पास भी नहीं रहते, और यही रूम में रहते, मेरे पास थोड़ा रहते है, और किसी के पास ज़्यादा रहता नहीं है अभी। पता नहीं ऐसा क्यों है, उसको बस अभी थोड़ा दूध पिला दिया तो वो उल्टा हो गया। अब उल्टा होकर फिर दूध मुँह से निकालते रहता है, जो पेट में प्रेशर आएगा मुँह दूध तो मुँह से निकलेगा ना। हाल तो देखो एक बार, आए है ही फुल टेंशन में है बिट्टू, इतना टेंशन है जो कैसे सबको तंग किया जाए, बस वो टेंशन है ना। देखो तो मैं कपड़ा डाल रहा हूँ, मुझे देख रहा है इसलिए ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। बहुत बहुत धूप है बाहर, इसलिए सब कपड़ा मैंने अंदर ही डाल दिया, ये सब अंदर सूख जाएगा। और यहाँ पे देखो कल जो पापड़ बनाया था ना, ये पापड़ यहाँ पे ड्राई करने के लिए रख दिया, और आधा घंटा ड्राई करेंगे, एकदम अच्छे तरह से ड्राई हो जाएगा। आज शाम को चाय के साथ खाना है, अभी तक मैंने खाना ही नहीं खाया, तो 4 बज गया तो कब चाय पीऊँगी फिर। यहाँ पे सब लोग 5 बजे चाय पी लेता है, अब बाद में चाय पीऊँ ना रात को थोड़ा सा, मतलब 7 बजे 8 बजे, तब तो मुझे नींद नहीं आता रात को। और बहुत अच्छा हुआ, एक भी पापड़ टूटा भी नहीं है। दादी को लग रहा था पापड़ टूट जाएगा, पापड़ बहुत अच्छा बना है, तीखा तीखा भी लगेगा बहुत। मिर्ची, हरी मिर्ची डाला है ना,
राइस का पापड़ है, खा के देखूंगी कैसा टेस्ट है इसका। बाहर आया ना पूरा एकदम मुंह जल जा रहा है, इतना धूप है बाहर, बाप रे पूरा मुंह जल जा रहा है, इतना गर्मी है। ये देखो ये क्या कर रहा है, अरे इसका कपड़ा भी मैं स्टैंड में डाल दूंगी। की बीबू की, मैं आपको ऊपर सुलाया था ना, नीचे आ गया ना दिए, फिर भी मेरे पास थोड़ा सा शांत रहता है, मम्मी के पास रहता ही नहीं है बिल्कुल भी। दोस्तों बोलता है वो ना हंसता है, बीबू बच्चे छोड़ दो उसको, छोड़ दो तोड़ देगा, अभी तोड़ देगा, देखो तो ये है, उसको छोड़ दो टूट जाएगा नहीं तो। ये सनफ्लावर रो रहा है, करके रो रहा है, छोड़ दो आपका फ्रेंड है ना आपका, टूट जाएगा तो। ओरे 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 ओरे, किसका बात कौन सुने, पहले पकड़ना नहीं आते थे, अभी देखो पकड़ के खींचता है पास में। टूट गया है तुम्हारा टॉय, नीचे गिर गया, देखो जा अभी हाथ में नहीं आएगा, और कोई नहीं आएगा हाथ में अभी, लो इससे खेलो फिर, लो बच्चो लो, बाहर बहुत धूप है इसलिए मैंने ये वाला बालकनी में विमान का स्टैंड लगा दिया, कि नई वाला बालकनी में ना धूप नहीं आते और कपड़ा धूप से जल जाता है पूरा की पूरा। और यहाँ पे लोग है ना धूप से डरता नहीं है, बारिश से डरता है, बारिश का टाइम तो एक भी बूंद बारिश कपड़ा भी नहीं गिरता। लेकिन यहाँ पे मैं लेके आई मेरी लंच, ऑलरेडी 3:30 बज गया बट मुझे भूख लगा नहीं है, ये दोनों सब्जी बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। ये क्या ना पालक के साथ बनाते हैं ना, तो मतलब सब्जी भी साथ में खा लो और साथ में फिश भी खा लो, दोनों हो जाते हैं। जब तक मैं खाना खाऊंगी ना ये रोएगा नहीं, क्योंकि मैं खाना खाती हूँ ना, मैं चाहती हूँ देखते रहता है, उसको आदत है, इसलिए मैं जो भी खाना खाती हूँ उसके सामने बैठ के खाना खाती हूँ, तो अच्छे से खाना भी खा पाते और रोता भी नहीं है। यम्मी हंसता है। कोई बोलेगा पूरा दिन डिस्टर्ब किया दादी को, और दादी को साथ पता नहीं, मतलब दादी को थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब करती है। यम्मी खाना है? यम्मी फिश। ओ देखो ये वाला पापड़ अभी फ्राई करूंगी, नया वाला पापड़, आओ फर्स्ट टाइम फ्राई करने वाला, पूरा चारों तरफ से बच्चे लोग इतना चिल्लाते पता नहीं। तो नाइस, नया पापड़ है, फ्राई हो लाल हो जाएगा, लाल लाल ही अच्छा लगता है, थोड़ा लाल लाल करके फ्राई करो ना, मजा आता है। ओरे 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 ना, बड़ा बड़ा दिखता अच्छा लगता है ना, तेल ज्यादा है। वाव सब फ्राई कर दो मम्मी, इसको तेल में फ्राई करके भी खा सकते हैं और छेक के भी खा सकते हैं, और फ्राई करो ना अच्छा लगता है ज्यादा, छेक के थोड़ा सा हार्ड लगता है।
हर साल ही पापड़ बनाता है घर पे, लेकिन खाते नहीं है, परा रहता है, बाल्टी भर भर के परा रहता है। बांग्लादेश में मेरी बहन लोग बहुत पसंद किया था, लेकिन ज्यादा लेके नहीं जा सकते, लेके जाओ ना वो टूट जाता है। हाँ, लेकिन ये चीज ही ऐसी है, टूट जाता है ये। ये देखो पापड़ बन गया है, और शाम के टाइम इतना चिल्ला चिल्ला होता है ना यहाँ पे बाहर, अभी चाय के साथ खाऊंगी। टेस्टी है, इतना सारा मिर्ची डाला है ना अंदर, फिर भी इतना तीखा नहीं लगता। चलो अभी चाय पापड़ खाते हैं, अच्छा है। तो यहाँ पे बन गए चाय, आज मैंने थोड़ा सा चाय लिया, बहुत थोड़ा सा, चाय पीने का बिल्कुल मूड नहीं है मुझे, ओनली पापड़ खाने का मूड था। मम्मी चाय पी रहा था, मैं बोला चलो मैं भी थोड़ा पी लूँगी। चलो शाम के नाश्ता कर लेती हूँ, और पापड़ बहुत सॉफ्ट हुआ है, देखो थोड़ा नया पापड़ होता है ना, थोड़ा सा ऐसा वो होता है, मतलब थोड़ा तेल ज़्यादा ऊपर से तेल तेल ज़्यादा लग जाता है, बट पुराना होने के बाद ऐसा नहीं होता, इसीलिए मैंने टिश्यू ले लिया, टिश्यू से क्लीन करेंगे और खाऊँगी। चलो फिर आज के लिए यहाँ पे टाटा बाय, सी यू एंड टेक केयर, चाय की पी लेती हूँ।